सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एस आर सी, और इस वीडियो में हम एसिड्स एंड बेसिस की कुछ कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे वीडियो के पहले जो टॉपिक है, ये कंसेप्ट एट ए ग्लांस विथ रेस्पेक्ट टू एसिड्स एंड बेसिस। सो पहला जो कॉन्सेप्ट है, कंसेप्ट टू रिमेम्बर, ये वाला बेसिकली हम ऐसे जा रहे हैं कि हर एक चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलते हैं ऑन द फर्स्ट टॉपिक, एंड व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज पियर्सन शैप प्रिंसिपल। शैप माने दैट इज सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस। शैप जो है ना, तो वो है, कभी शैप लिखते हैं, कभी एच एस ए बी कंसेप्ट भी बताते हैं। Sometimes we write SHAP concept, sometimes we write HSAB concept. Now what is this SHAP stands for? The SHAP concept that stands for, S stands for soft, H stands for hard, and AB is nothing but the acid base. So SHAP concept, that is soft and hard acid base concept. Kabhi kabhi isko hum HSAB likhte hai, same hi hai, hard and soft acid base concept. So chalte hai yahan pe नेक्स्ट पेज में। यहाँ तो आते हैं इसमें नेक्स्ट पेज में, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय आरजी पियर्सन। तो आरजी पियर्सन इस कॉन्सेप्ट को दिया था यहाँ पे, और आरजी पियर्सन जो पेपर पब्लिश हुआ था जनरल ऑफ केमिकल एजुकेशन एंड इन द ईयर ऑफ 1968। सो दैट कॉन्सेप्ट वाज गिवन, दिस कॉन्सेप्ट दैट इज शैप कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय द आरजी पियर्सन एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1968। लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट का जो स्टेटमेंट है, the statement of this concept, वो है, a reaction generally proceeds in the direction that would pair, softer acid with the softer base, and harder acid with the harder base, For example, अगर हम इसको पकड़ के चले, जो एक hard acid है, soft base है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस या सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, ये वाला अगर ऐसा सोच रहे हैं, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम एंड दैट इज हार्ड एसिड हार्ड बेस दैट इज फॉर्मिंग एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस दैट इज फॉर्मिंग, एंड अकॉर्डिंग टू द पियर्सन शैप प्रिंसिपल ए रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन एंड विच इज हैविंग हार्ड हार्ड कॉम्बिनेशन एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, इक्विलिब्रियम दाहिने की तरफ होगा, अगर ऐसा हो जाए, कि बेसिकली अगर ऐसा हो जाए कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास हार्ड एसिड हार्ड बेस है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम एंड यहां पे हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस है और सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, अगर ऐसा हो जाए तो इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द पियर्सन शैप प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम विल गो टू द लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग हार्ड एसिड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। सो दैट इज द प्रिंसिपल दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मैं इसको एक बार ऐसे चलते हैं यहां पे, देखते हैं इसको क्या आया अभी तक। नो, दिस प्रिंसिपल, दिस कंसेप्ट दैट वी आर स्टडिंग, सो दिस कंसेप्ट दैट वी आर स्टडिंग, जो कंसेप्ट अभी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द पियर्सन शैप प्रिंसिपल, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट, एंड इट वॉज गिवन बाय आर जी पियर्सन इन द ईयर ऑफ 1968, एंड दिस वॉज गिवन। नाउ वॉट इज बेसिकली द स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट क्या है, एंड स्टेटमेंट है, अगर कोई इक्विलिब्रियम आपको दिखे कि ऐसा वाला है, हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, एंड यहां पे इसके दाहिने तरफ आपके पास हार्ड एसिड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है, सो अकॉर्डिंग टू द पियर्सन शैप प्रिंसिपल, इसकी कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, उस पर आएंगे हम, बट अकॉर्डिंग टू द पियर्सन शैप प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, द इक्विलिब्रियम विल गो टू द राइट हैंड साइड बिकॉज ऑन द राइट हैंड साइड वी आर हैविंग हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन। अभी जो मेरे मन में ख्याल आ रहा है, मेरा क्वेश्चन आ रहा है, शायद आपका
आपका भी क्वेश्चन आ रहा है कि वैसे ये हार्ट क्या है और सॉफ्ट क्या है. हार्ट क्या है, व्हाट इज दिस हार्ड मीन एंड व्हाट इज दिस सॉफ्ट. इज इट दैट हार्ट इज स्ट्रांग, इज इट दैट इज हार्ट इज स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस. ये क्या हार्ड स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है, और ये क्या सॉफ्ट जिसको हम बता रहे हैं, क्या ये क्या वीक एसिड, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड या वीक बेस है, ऐसा क्या है कि नहीं. दैट इज द क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू द माइंड. एंड बिकॉज एज फार एज वी हैव प्रोसीडेड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो, वहां पे दिखा है कि आरजी पियर्सन बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग द शैप प्रिंसिपल हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड बेस आर फेवरेबल. द क्वेश्चन इज दैट व्हाई, दैट वी आर गोइंग टू कम लेटर इन सम अदर लेक्चर वीडियोस. बट द क्वेश्चन अगेन इज दैट व्हाट इज हार्ड व्हाट इज सॉफ्ट. लिटरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट हार्ड मीन क्या स्ट्रांग, सॉफ्ट मीन क्या वीक, ऐसा है क्या. मतलब हार्ड हार्ड एसिड HCl जो कि ना स्ट्रांग एसिड है, क्या ये हार्ड एसिड है, क्या ये हार्ड एसिड है. हार्ड का मतलब क्या ये है, एसिडिक एसिड जो है, एसिडिक एसिड जो है जो कि एक वीक एसिड है, क्या क्या ये बेसिकली सॉफ्ट एसिड है, ऐसा क्या हम बोल सकते हैं. नहीं, ऐसा अगर हो गया तो दैट इज नथिंग बट ए कोइंसिडेंस. So that is not the case. If that is so, then that is nothing but a coincidence. And actually, heart ki heart ka matlab kya hai? What do you mean by heart? And what do you mean by soft? So heart ka matlab kya hai? Soft ka matlab kya hai? Yehi main abhi samjhaunga. That I am going to discuss on that. That what is heart and what is soft. Heart ka matlab hai. Heart ka jo matlab hai. ये जो है ना स्ट्रांग या वीक. नाउ दीज आर बेसिकली दैट इज थर्मोडायनेमिक टर्म्स. कितना डिसोसिएशन होगा उसके आधार से हम स्ट्रांग या वीक बताते हैं. एंड सो दैट इज थर्मोडायनेमिक टर्म्स. एंड इन दिस क्लास इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट वी आर स्टडिंग द शैप प्रिंसिपल, इन दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एंड दिस थर्मोडायनेमिक टर्म्स. वी आर फोकसिंग ऑन एंड दिस हार्ड एंड सॉफ्ट. द टर्म मीन्स द हार्ड मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बेसिकली दैट इज टाइटली बाउंड है. इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है वो काफी ज्यादा है, साइज छोटा है, रेडियस छोटा है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली बाउंड है. मैं जस्ट एक इंप्रेशन के आधार से मैं बता रहा हूँ कि लाइक दिस वन लाइक योर फ्लूराइड फर्स्ट दैट इज अ बेस, फ्लूराइड इज अ बेस. एंड इफ यू आर कंपेयरिंग विद रेस्पेक्ट टू दैट आयोडाइड, सॉफ्ट पहले लिख लेते हैं. एंड सॉफ्ट इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट इज नॉट टाइटली बाउंड. दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लूजली बाउंड. फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं, यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखिए डिफ्यूज क्लाउड. सो दिस इज F-, ये क्लाउड दैट इज कॉम्पैक्ट क्लाउड. And I minus size bada hai. And that is basically diffuse cloud. So F minus we can call that. That is a hard base. Nature wise that is donor. And so that is base. And I minus the nature wise that is donor. Lewis base. And so that is base. In terms of Lewis we are now talking. And that is base. But we are that because that is diffuse, वो tightly bound नहीं है, that is loosely bound है, loose है, diffuse cloud है, तो उसके आधार से हम इसको बता रहे हैं soft. The most important thing is that, जो most important thing है, कि हम strong and weak जो है thermodynamic terms है, उसकी बात अभी इस lecture video में नहीं कर रहा हूं, इस concept में नहीं कर रहा हूं. तो किसी और कॉन्सेप्ट में और जगह से आएंगे एसिड बेस का जो चैप्टर है. शैप प्रिंसिपल में इस हार्ट जो है ना वो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है टाइटली बाउंड होता है तो उसको हार्ट बताते हैं. दैट इज क्लाउड हार्ट है. अगर ये क्लाउड अगर
लूजली बाउंड है, डिफ्यूज है, तो हम बताते हैं क्लाउड सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, डिफ्यूज है, डिफ्यूज मतलब सॉफ्ट। तो F माइनस का अगर पकड़े तो इसका साइज छोटा है, तो ये पहले बेस है, लुइस बेस है, और साइज छोटा है, तो इसको हम बता रहे हैं कि दैट इज हार्ड बेस। और I माइनस का जो है उसकी साइज बड़ी है, क्योंकि आपको बताया कि हैलोजन में हम जब आते हैं तो यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जहां से आ रहे हैं इसकी साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है तो बेसिकली वो डिफ्यूज हो रही है। और जो F माइनस है उसकी साइज छोटी है, तो F माइनस हार्ड है और I माइनस सॉफ्ट है। तो एक चीज आपको समझना है कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम जब किसी की बात करते हैं कि F माइनस हार्ड, हम वहीं पे नहीं रुकना चाहिए, हमको बोलना चाहिए शैप प्रिंसिपल के आधार से कि F माइनस हार्ड विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस। ये विथ रेस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो साइज होता है उसके आधार से बात करते हैं। अगर F माइनस का पूछे कि ये हार्ड है कि सॉफ्ट है, तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमको एक रेफरेंस चाहिए होगी। अगर पूछे कि F माइनस वर्सेज I माइनस है, तो हम बता सकते हैं कि F माइनस हार्ड है विथ रेस्पेक्ट टू I माइनस, और I माइनस जो है वो सॉफ्ट है विथ रेस्पेक्ट टू F माइनस। अभी चलेंगे यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं आपको कैसे समझ आ रही है। तो यहां पे आते हैं, ये वाला स्टेटमेंट देखिए, ये शैप प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, मैंने जो अभी बात की थी हार्ड हार्ड एंड सॉफ्ट सॉफ्ट एसिड बेस कॉम्बिनेशन आर फेवरेबल और स्टेबल, यहां पे एक है कि एक चीज है जो वाई, जो मैं बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा है। अभी के लिए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की मीनिंग, हार्ड क्या है, सॉफ्ट क्या है। अभी जो बात की थी, अभी आप देखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं कि हार्ड स्पीशीज स्पीशीज विच हैज टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो जो स्पीशीज है उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड टाइटली बाउंड होनी चाहिए, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये जेड स्टार, यहां से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो टाइटली बाउंड होगी किसी के रेस्पेक्ट में होगी, विथ रेस्पेक्ट टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचिए एक, एक, एक बाइसाइकिल जा रहा है, अब आपने पूछा कि ये जल्दी जा रहा है या स्लो जा रहा है, तो मैं बोलूंगा किसके रेस्पेक्ट में बात करूं। एक आदमी जा रहा है उसे जल्दी जा रहा है, एक मोटर बाइक जा रहा है उसे स्लो जा रहा है, तो वैसे बाइसाइकिल जा रहा है उसको तो हम नहीं बता सकते कि जल्दी जा रहा है या स्लो जा रहा है। और जब हम बोल रहे हैं जल्दी जा रहा है, तो किसी और स्लो के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि स्लो के हिसाब से वो जल्दी जा रहा है। और अगर बोल रहे हैं कि स्लो जा रहा है, तो किसी और फास्ट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, शायद बाइक से या कुछ भी कार से, उसके आधार से ये स्लो जा रहा है। तो इसी तरह जीवन भी बेसिकली रिलेटिव है। आपको अच्छा नंबर मिला है वो स्टेटमेंट काफी नहीं, आपको बाकियों से अच्छा नंबर मिला है, बेसिकली दैट इज व्हाट यू आर मीनिंग टू से। ऑन द सेम प्रिंसिपल, द शैप प्रिंसिपल इज आल्सो रिलेटिव। सॉफ्ट स्पीशीज जो है, दैट इज ए स्पीशीज दैट इज, मैंने जैसे कहा था, विद डिफ्यूज्ड और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज डिफ्यूज्ड और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एंड इसके बाद हम आएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कैरेक्टरिस्टिक को हार्ड एंड सॉफ्ट किया है। तो अभी अभी तक का जो हमने पढ़ा है उसके आधार से पियर्सन शैप प्रिंसिपल, पियर्सन ने दिया था हार्ड एंड सॉफ्ट सब कॉम्बिनेशन स्टेबल है, थर्मोडायनेमिक टर्म नहीं है, हार्ड इज टाइटली बाउंड, किसी के रेस्पेक्ट में टाइटली बाउंड, किसी के रेस्पेक्ट में लूजली बाउंड होगा, विथ रेस्पेक्ट टू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाले लेक्चर वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कैरेक्टरिस्टिक, क्या देख के हम बोले कि ये हार्ड है, क्या देख के हम बोले कि सॉफ्ट है, और कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके ये जो थ्योरी है उसकी हम चर्चा करेंगे, और उसको देखेंगे कि हमको कितनी समझ में आ रही है। तो यहीं पे मैं अपना पहला वीडियो ऑन दिस एसिड बेस कंसेप्ट क्लियरिंग जो है चैप्टर का, उसको समाप्त करता हूं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड यू टेक केयर।